नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी की व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ व्रत मानी जाती है। और इस व्रत में क्या क्या दान हमें करनी चाहिए, आइए आज वही देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मिट्टी का जल भरा कलश दान करनी चाहिए। अगर मिट्टी का कलश दान नहीं कर पाते हैं तो किसी भी तरह का कलश या जल की दान जरूर करें। इस दिन खुद निर्जला रह के जरूरतमंद व्यक्ति को जल पिलाना, जल दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान के बाद अब आता है फल की बारी। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ख़ास करके आम, ककड़ी या खीरा, इस तरह का जो ठंडक पहुंचाने वाली फल होता है, उस तरह का फलों का दान जरूर करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं सूती वस्त्र के दान। इस समय गर्मी में जो भी चीज़ हमें ठंडक पहुंचाती है, ऐसे सूती वस्त्र के दान आप जरूर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है पंखा। पंखा के हवा से किसी को भी राहत पहुँचती है और ऐसा लगता है जैसे जान पे जान आई। ज्येष्ठ के महीना है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है और इसी समय पंखे का दान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद पाँच नंबर पे आता है छाता। शास्त्रानुसार छाता दान करना भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। इस समय आप जूते भी दान कर सकते हैं, जैसे किसी भी तरह का जो नया जूता दान कर सकते हैं, पुराने जो छोटे हो गए वो भी दान कर सकते हैं, पर दान जरूर करें। खाने पीने के सामान में इसी समय अलग अलग किस्म के जो ठंडाई होती है, लस्सी होती है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शरबत होते हैं, वो आप दान कर सकते हैं। कहीं पे शरबत का थोड़ा सा आप एक अरेंजमेंट करके बच्चों को शरबत या दही वगैरह दान जरूर करें। इस समय ठंडे चीज़ों का दान की जाती है। चना और गुड़ के दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर संभव है इस दिन चना और गुड़ के दान करें। कई प्रकार के ग्रह दोष और बाकी जो हमारे पापों से मुक्ति दिलाती है, ऐसे दान से। दोस्तों, आखिर में आपको सबसे जो महत्वपूर्ण दान होता है वो है अन्य का दान। इस दिन अन्य का दान जरूर करें। अगर आप चावल दान करना चाहते हैं तो द्वादशी के दिन करें। इसके अलावा गेहूं, जौ इत्यादि प्रकार का दान आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। दान का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं, परंतु इस दिन किए गए दान कई ज़्यादा पुण्यफल की प्राप्ति करवाती है। आखिर में आपको एक बात बताऊं, दीप दान भी जरूर करें। खुले आसमान के नीचे भगवान विष्णु जी के नाम पे एक दीप जरूर जलाएं और दीप दान कितनी भी संख्या में आप कर सकते हैं। तुलसी माँ को दीप जरूर दिखाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर मिलते हैं कोई एक नया वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हैप्पी निर्जला एकादशी। एकादशी का बहुत सारे पुण्य फल की सभी को प्राप्ति हो। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।